मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम विनय तिवारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मॉडल्स के नेक्स्ट रूल लेकर के आए हुए हैं और आपको हम बताएंगे यूज ऑफ मस्ट कि प्यारे विद्यार्थियों मस्ट का यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम बताएंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने ऑट टू का यूज आपको बताया था, आज हम आपको बताएंगे मस्ट का यूज कहाँ होता है। तो मस्ट का यूज अवश्य चाहिए शब्द के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई पूछे कि मस्ट का यूज कहाँ होता है तो आप बताओगे मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। देखिए, इसमें मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए, पहला इसमें रूल्स होता है कि मस्ट का प्रयोग देखिए मजबूरी के लिए, बाध्यता के लिए, व्यवस्था के लिए, अनिवार्यता के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का यूज मजबूरी, बाध्यता और व्यवस्था के लिए। हमने आप फार्मूला बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, मस्ट लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। दूसरा, सब्जेक्ट लगाओ, मस्ट भी लगाओ, नाउन प्लस अदर वर्ड, क्योंकि इन दोनों फार्मूला से हमें प्रेजेंट का सेंस निकलता है, यानी प्रेजेंट का सेंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और इस सेंटेंस से हमें पास्ट का सेंस निकलता है। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपको फार्मूला, आई होप दैट कि आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट के सेंस के लिए आप सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट मस्ट भी नाउन प्लस अदर वर्ड, यह प्रेजेंट के सेंस के लिए होता है। सब्जेक्ट मस्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या पास्ट के सेंस के लिए होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी सोल्जर्स सिपाहियों को मस्ट ओबे माने होता है आज्ञा मानना चाहिए, देयर कमांडर माने अपने कमांडर का, तो अपने सेनापति का अवश्य उनको बात मानना चाहिए। तो वह उनका एक मजबूरी होता है, एक बाध्यता होता है, उनकी व्यवस्था होती है, क्योंकि उनको अपने सेनापति जो मुख्य होता है उसकी उनको अवश्य बात मानना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, यू मस्ट बी ए स्टूडेंट, आपको अवश्य एक विद्यार्थी होना चाहिए, तो आपकी एक मजबूरी है कि आपको विद्यार्थी होना पड़ता है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट रीच इन स्कूल, रीच स्कूल इन टाइम, अवश्य ही सभी विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी की मजबूरी, बाध्यता, अनिवार्यता होता है, इसलिए हमने यहाँ सेंस का यानी मस्ट का यूज हमने किया है। नेक्स्ट, मस्ट के स्थान पर हम हैड टू का यूज कर सकते हैं। अगर आप मस्ट का यूज नहीं करना चाहते हो तो इसके स्थान पर आप हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी यूज आप कर सकते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है कि सोल्जर्स हैड टू ओबे देयर कमांडर, यानी सिपाहियों को अपने सेनापति की आज्ञा मानना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी एक मजबूरी है, उनकी बाध्यता है, क्योंकि मजबूरी और बाध्यता और व्यवस्था के लिए प्रेजेंट टेंस में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज करते हैं। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल्स है कि कॉन्टीन्यूअस का सेंस निकालने के लिए हम मस्ट बी प्लस वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। जब कॉन्टीन्यूअस कोई बात निकालना होता है तो हम मस्ट बी प्लस वर्ब में आई एन जी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी मस्ट बी कमिंग टुमारो, वह अवश्य ही कल आ रही है, यानी कॉन्टीन्यूस उसका सेंस चल रहा है कि वह कल अवश्य आ रही है, इसलिए हमने यहाँ मस्ट बी का यूज कर दिया। मस्ट बी के साथ जब कॉन्टीन्यूस का सेंस निकलता है तो वहाँ पर वर्ड में आई एन जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मस्ट का प्रयोग स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यानी प्रबल संभावना के लिए होता है। जब कोई संभावना प्रबल होता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज हम करते हैं प्रबल संभावना के लिए। जैसे ही हैज मेनी इंपॉर्टेंट कार, उसके पास कई महत्वपूर्ण कार हैं, तो उसके पास कई महत्वपूर्ण कार हैं तो इसकी प्रबल संभावना क्या है कि ही मस्ट बी रिच, उसे अवश्य वह क्या होगा, धनी होगा। वह अवश्य धनी होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी का सेंस निकल रहा है, इसलिए हमने वहाँ देखिए मस्ट बी का यूज हमने किया है। ही हैज लेटली माने हाल में ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह हाल में ही बीमारी से ठीक हुई है, वह हाल में ही बीमारी से ठीक हुई है, इसलिए प्रबल संभावना निकल रहा है। सी मस्ट बी ए वीक, वह अवश्य ही क्या होगी, जो है बीमार होगी यानी कमज़ोर होगी, वह अवश्य ही कमज़ोर होगी क्योंकि अभी वह ठीक हुई। मस्ट के अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मस्ट का प्रयोग, हम चौथा नियम आपको बता रहे हैं कि मस्ट का यूज हम लॉजिकल इन्फ्रेंस का मतलब होता तर्कसंगत निष्कर्ष, यानी तर्कसंगत जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसके साथ भी हम मस्ट का यूज करते हैं।
जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट यानी वह बुद्धिमान लड़का है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, ही मस्ट गेट उसे अवश्य ही गेट माने प्राप्त करना चाहिए गुड मार्क्स इन द एग्जाम, यानी एग्जामिनेशन में उसे अच्छा नंबर अवश्य प्राप्त करना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। सी इज द बेस्ट रनर, वह अच्छी धावक है, रनर का मतलब होता है धावक, वह अच्छी धावक है तो सी मस्ट बी इन द रेस, उसे अवश्य ही रेस को जीतना चाहिए, उसे अवश्य ही दौड़ को जीत लेना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छी धावक है। तो यह रहा है आपका मस्ट का यूज। अगले वीडियो के साथ हम नेक्स्ट दिन और आपके बीच में हाजिर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके बीच लाइव भी आएंगे, लेकिन मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप जो है सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, कमेंट कराएं और लाइक कराएं, बेल आइकन की घंटी दबाना भी न भूलें। प्यारे विद्यार्थी, हम आपके बीच में ठीक है लाइव भी आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।